ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंपीरियल कॉलेज का इनवाइट मैंने यही ड्रॉअर में रखा था, ये तो दिमाग से निकल गया। गया कहाँ, यहीं तो रखा था इनवाइट, कहीं स्वर्णा के हाथ तो नहीं लग गया? ओह नो, अगर उसने देख लिया तो बहुत अपसेट हो जाएगी वो। तुम्हारी क्रिसमस पार्टी के लिए ये कॉस्ट्यूम मेरी तरफ से, प्लीज यही पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी तक ये खोला नहीं, क्यों? मैं नहीं जा रही हूँ पापा। किसी ने कितने मन से तुम्हारे लिए भेजा है, उसे पता चलेगा कि तुमने अब तो कह दूंगी उनसे कि ड्रेस बहुत अच्छी थी। दुखी होने के लिए तो हजारों चीजें होती हैं, खुश होने का मौका कभी कभी आता है और हमारे घर में वो भी आके बेकार हो जाता है। तरस के हूं अपनी अपनी प्रिंसेस की स्माइल देखने के लिए। पापा, आप बहुत सिली हो, हर बात को इतना सीरियसली ले लेते हो। मैं तो मजाक कर रही थी, फ्रेशर्स पार्टी भी कोई मिस करता है? पर अभी तुम्ही ने तो बुद्धू बनाया था आपको, आपको याद ही है आपने कहा था कुछ दिन पहले कि मैं अब आपको परेशान नहीं करती। स्वर्णा, स्वर्णा तुमने मैम को देखा क्या कहीं? नहीं सर, बहुत देर से नहीं दिखी मैम। कहाँ चली गई? सुरेखा, तुमने स्वर्णा को देखा सुबह से? हाँ, वो सुबह सुबह कहीं के लिए निकल रही थी। कहाँ? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं भाई साहब जैसे वो मुझे बता के या मुझसे पूछ के कहीं जाती हैं। कार्तिक के पास मुंबई तो पहले ही जाना चाह रही थी, कहीं ऐसा ना हो इनवाइट उसके हाथ लग गया। पुनीत, पुनीत मेरी मुंबई की फ्लाइट की टिकट कराओ। हाँ, अर्जेंट है, बिल्कुल अभी इसी वक्त कराओ। यस मिसेस गोयनका, मैं समझ गया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आपकी विजिट यहां सरप्राइज ही रहेगी जी, मनीष जी को भी नहीं जी। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मेरे साथ डांस कर रही हो ना आज? कुणाल छोड़ दे यार, वो वैसे ही मना कर चुकी है। एंड वैसे भी कुणाल, तेरी तो चॉप की थी ना इसने। आई नो, क्यों गाइस? अरे ट्राई ट्राई कुणाल, क्या पता फाइनल में मान जाए। कुणाल प्लीज, मैं एक बात बार बार नहीं दोहरा सकती। कुणाल, अरे कुणाल, मैं भी किसी बात को बार बार नहीं बोलता। अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मिस नहीं, मिसेस नायरा सिंह खानिया। यस मिसेस नायरा, मुझे आपका सीक्रेट पता है। क्या हुआ, शॉक लगा? ओह कम ऑन मिसेस नायरा, तुम चाहो तो बाकी लोगों को ये शॉक लगने से बचा सकती हो। वो क्या डायलॉग था कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे whatever, मेरा मुंह बंद रहेगा। वाह, क्या बात है, तो फ्रेशर्स की थीम के अकॉर्डिंगली बात करने लगा, एकदम बॉलीवुड टाइप। आज फ्रेशर्स इवेंट के पहले कर्टन फेजर होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर सब होंगे और वहाँ तुम मेरे साथ डांस करोगे, और अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया तो जानती हो ना कि मैं क्या करूँगा।
मिस्टर गोयनका, लेट्स गो, सेलिब्रेशंस का राउंड वन शुरू होने वाला है। सॉरी सर, आई नीड टू गो चेंज। पर आपका कॉस्ट्यूम तो यही कॉलेज एड्रेस पे डिलीवर हुआ था ना? कॉस्ट्यूम तो स्टूडेंट पहनेंगे सर, मैं रेगुलर कपड़े पहन। मिस्टर गोयनका, प्लीज आप वही पहनिए, स्टूडेंट्स को लगेगा आप उनमें से एक हो। इट्स अ ग्रेट टाइम टू ब्रेक द आइस एंड मिंगल विद देम। पर सर मेरी बात तो सुनिए। प्लीज ट्रस्ट मी मिस्टर गोयनका। ओके, लेट मी टेक यू इन ऑन समथिंग। मैं खुद भी थीम के अकॉर्डिंगली तैयार होने वाला हूँ। यस, नॉट द रेगुलर अटायर, ऑलवेज गो विद द फ्लो मिस्टर गोयनका। अच्छा मौका मिला है बदला लेने का। अगर बदला ही लेने की सोची होती ना तो और भी बहुत तरीके थे। पाल पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो मैं भी जानती हूँ।